श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का एसएमएस का ज्ञान, हंसी को इनबॉक्स में रखो, आंसू को आउटबॉक्स में रखो, गेस को डिलीट करो, मुस्कान को सेंड करो, दिल को करो वाइब्रेट, फिर देखो जिंदगी की रिंगटोन कितनी प्यारी बजती है। जितनी समस्या है ना, सब समस्या मणिराम की है। इसीलिए कभी भी अपने मन पर विश्वास मत रखना, कोबरा पर विश्वास रख सकते हैं। He will not bite you because he wants to survive। अपने मन पर विश्वास मत रखना। मन ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, इतनी कल्पनाएं करता है, और ये कल्पनाएं सभी के सभी अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के होती है। हम आपको एक दो उदाहरण देंगे इसके बारे में। हम कलकत्ते में थे और वहां हमको किसी ने खाने को बुलाया। कलकत्ते में हमारा बड़ा बुरा हाल था, होटल में खाना खाना पड़ता था क्योंकि वहां कोई बंदोबस्त नहीं था, तो भूखे तो नहीं रह सकते, तो खाते थे। और एक दिन किसी ने गलती करी, हमको खाने को बुलाया, तो हमने तैयारी करी। तैयारी क्या की, पूरे एक दिन व्रत किया क्योंकि ये होटल का खा खा के तंग आ गए। और फिर जितनी भगवान की नहीं देखी होगी उतनी उनकी राह देखी। अभी 9 बजे, अभी 10 बजे, अभी 11 बजे तक आ ही जाएंगे, फिर जाएंगे और फिर बढ़िया खाएंगे। और 11 के करीब यो आ गए, हाँ चलो अब मजा आएगा। और उसके बाद आकर जो बात करने लगे, इधर की उधर की सब कुछ बात हो गई, लेकिन खाने की बात नहीं। और उन दिनों में मैं इस प्रोफेशन में ताजा ताजा था, तो प्रोफेशनल हैजर्ड्स मुझे मालूम नहीं थे। तो मैं वहाँ राह दिख रहा हूँ, 11 बज गए, 11:30 बज गए, सब दुनिया की बातें हो रही है, 12 बज गए। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी माफ़ करना, मुझे जाना है, कहीं कोई गेस्ट आने वाले हैं और मुझे जाना है। और वो चले गए और मैं देखता रहा। फिर गया होटल में, फिर खाना खा के होटल वाले कहा कि कल बाबा जी आपने बताया था कि आप कल नहीं आएंगे, कहीं बाहर खाने जाना है, क्या हो गया? वो फेल हो गया। सच तो यही था। अच्छा, उसके बाद फिर 2-4 महीने के बाद उन्होंने फिर बुलाया खाने के लिए। अब मेरे सामने साधना थी, ध्यान से सुनना, कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, श्रेयश्च प्रेयश्च उभौ एतौ। व्यक्ति के जीवन में एक ही घटना दो ऑप्शंस लाती है, उस घटना को आप अपने प्रेय माने अपने को जो अच्छी लगती है उस दृष्टि से देखो, या उसी घटना को वो हमारे लिए योग्य है इस दृष्टि से देखो। घटना तो वही है, देखो। तो यदि हमने केवल जो हमको अच्छा लगता है उसी का स्वीकार किया तो हम संसार में फंस जाते हैं, और जो हमारे लिए योग्य है उसका स्वीकार किया तो हम साधना के पक्ष में उतर आते हैं। घटना तो वही है, देखो। एक हम उदाहरण देते हैं, कई बार आप सबको पता होगा तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। तुलसीदास जी के जीवन में स्त्री नाम की वस्तु नहीं थी जन्म से, और वो जाकर के किसी बाबा जी के आश्रम में रहे
और वहाँ रह करके बड़े हो गए, खूब अध्ययन किया, भगवान का स्मरण करते रहे। भगवान राम का जो वाल्मीकि रामायण है वो कथा उन्होंने अपने गुरु से 108 बार सुनी थी। बड़े विद्वान, सभी शास्त्र, उपनिषद, पुराण सबका अध्ययन किए हुए और कथा करते थे। जवानी में एकदम दिखने को सुंदर और विद्वत्ता। तो उसमें एक गृहस्थ ने देखा कि मेरे लड़की के लिए ये लड़का अच्छा है और उनको प्रपोज किया, शादी हो गई। शादी होने के बाद उनके जीवन में पहली स्त्री पत्नी के रूप में ही आई। पुरुष को स्त्री का साथ होना अत्यंत आवश्यक है और स्त्री को पुरुष का साथ होना आवश्यक है, ये एकदम नैसर्गिक स्थिति, इसमें अबनॉर्मलिटी कुछ भी नहीं है। देखो तो वो हो गया, फिर अपने पत्नी में वो फंस गए। एक दिन उनकी पत्नी चली गई मायके, वही रहते थे वाराणसी में, और जब ये महात्मा जी कथा करके आए, देखा पत्नी है नहीं घर में, कहाँ गई, तो पता चला कि वो अपने मायके गई है। बाहर धुआंधार बारिश हो रही थी, महात्मा जी निकल पड़े हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे, इतना तूफान फिर भी निकल पड़े। गंगा जी बह रही थी भर के और उसमें एक मुर्दा आ रहा था, बह करके उसके ऊपर चढ़े और पार कर गए और वहाँ जा करके पीछे के खिड़की से पेड़ पर चढ़ करके पत्नी के कमरे में धड़ाल, सात समंदर पार करके तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। यदि वो आजकल की लड़की होती तो ज़्यादा ही प्यार कर दी, लेकिन उसकी उनकी पत्नी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती इस हड्डी मांस चमड़ी गंदगी के पिटारे के प्रति इतने आकर्षित होकर के यहाँ आए, शर्म नहीं आती आप? इतना ही आकर्षण यदि आपके मन में भगवान राम के प्रति हो तो वो अपना दर्शन आपको जरूर देंगे। एक ही बार उन्होंने कहा। उसके पश्चात उस एक साधारण गृहस्थ से तुलसीदास पैदा हो गए, तुरंत वापस आ गए और फिर एकाग्रता से भगवान के नाम स्मरण में लग गए। अब ये घटना कितनी बार हो गई होगी हिस्ट्री में, कितनी पत्नियों ने कितने पतियों को ये कहा होगा और कितने बने तुलसीदास और कितने बने देवदास, जाऊं तो जाऊं। घटना तो वही है। देखो इसीलिए अपने जीवन को नित्य निरंतर साधनामय रखना है और साधना का तात्पर्य क्रियाकलाप विशेषता नहीं। देखो कि हम सुबह उठ करके ध्यान में बैठे, क्या है साधना हो रही है। हम मिर्च मसाले इत्यादि नहीं खाते, फिर क्या खाते हैं, घास खाते हैं, गेहूं की घास, उसके बाद सब स्प्राउटेड, उसमें 5 सफेद चीजों का वर्जन किया है, उसमें नमक नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, दूध नहीं खाते, मैदा नहीं खाते, दिमाग खाते। देखो इसमें लग गए, क्या है, साधना हो रही है। हम टीवी नहीं देखते, हम सिनेमा नहीं देखते, ये साधना नहीं है। देखो तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग गृहस्थ हो, गृहस्थों की तपस्या क्या है, पत्नी के साथ रहते हुए भी खुश रहो और पति के साथ रहते हुए भी खुश रहो, इससे बढ़कर के और कोई तपस्या नहीं। बाबा जी लोग तपस्या क्यों करते हैं, क्योंकि परेशान करने वाली पत्नी नहीं होती, इसीलिए वो जंगल में जाकर के परेशान होते हैं। अब देखो आपको तो घर बैठे मिल रही सब तो करते महाराज। इसी प्रकार से यहाँ जो हम लोग आए हैं ना, अब मैं रोज देखता हूँ, ऊपर जाता हूँ आता हूँ, मुझे तो एकदम बढ़िया एक कमरा अलग से मिला है। स्वामी जी को क्या होता है, अब तो आधा दर्जन लोगों के बीच में सो, रात को भूकंप होता है, धरनी कंप होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के आवाज आते हैं।
साधना तो यही है महाराज, साधना यही है। देखो अटैच बाथरूम, जिंदगी पर हम रहे हैं, कुछ निकला क्या उससे? अब ये तो चलता ही रहेगा। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, जब आप बाबाजियों को देखते हैं ना कि उनकी बड़ी सेवा हो रही है और सभी उनके तरफ ध्यान देते हैं, उनको अलग से चीज होती है, इस स्थिति में आने के पहले क्या उन्होंने छिन्नी और हथौड़ी के घाव खाए हैं, ये उनका जूता पहनो तब समझ में आता है। देखो इसीलिए जो भी अपने अगल बगल में कठिनाइयां है उसको प्रेम से स्वीकार करना है। ऐसे नहीं अब ठीक है, देन वी आर नॉट सीकर्स। इसीलिए किसी भी हालत से अपने मन के सजेशन का समर्थन मत करना। डिसिप्लिन इज टू बी गिवन टू द माइंड। साधना किसको कहते हैं फिर? साधना करत कहते हैं हम अपने को बदलने को तैयार है नंबर वन, और हम बदलने को सक्षम है नंबर टू। वी हैव टू बी रेडी एंड वी हैव टू बी एबल टू चेंज अवर सेल्फ। यदि ये हम नहीं कर पाए तो हम साधना कर ही नहीं रहे। इसलिए यहां जो बताया, तावदेव निरोधव्यम यावद हृदिगतम क्षयम एतस् ज्ञानम च ध्यानम च शेषः अन्यश्च विस्तरः। तो ज्ञान और ध्यान यही है, नित्य निरंतर अत्यंत सावधानी से जीना है। देखो अत्यंत सावधान रह करके जियो ना, तो देखो आपसे अपने प्रति अन्याय नहीं होगा। इसको एक बार देखो ऐसा कि जब आपको पता चलता है कि क्रोध आ रहा है और आप उस क्रोध का समर्थन नहीं कर रहे हो, तो अपने आप वो क्रोध शांत हो जाता है। ये मालूम है मन की स्थिति कैसी है? हम वहां से अभी क्लास में नहीं आए और आप लोग क्लास में बैठे हो, ये बैठ के क्या करेंगे? पोल्ट्री फार्म आज वो गर्म पानी आए नहीं वहां हम अपनी बात बता रहे हैं, हम गर्म पानी मिला ही नहीं। ये सुबह सुबह ये शुक्ला जी गर्म पानी, वो बेचारे दौड़ के ले आए। देखो तो वो कौ 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 हो रहा है और उतने में पता चलता है स्वामी जाके अब क्या हुआ, अब इसका विश्लेषण करो। जिसके प्रति आदर होता है उसके आने की आहट मात्र से मन शांत हो जाता है ना। सबसे आदरणीय वस्तु क्या है विश्व में? अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा। उस परमात्मा के बारे में अवेयर रहना यही साधना है, यही ज्ञान है, यही ध्यान है। देखो व्हेन वी आर अवेयर कि बुरा विचार आ रहा है और कन्हैयालाल देख रहे हैं, एकदम शांत हो जाएगा। यदि ये बात स्पष्ट हृदय में उतर आए, कोई भी वृत्ति के उठने के पहले उस वृत्ति के विषय को भगवान जानते हैं, कोई भी वाणी से शब्द के उच्चारण के पहले ये यदि जागृति रहे कि भगवान ने उस शब्द को सुन लिया है, और कोई भी क्रिया या कर्म होने के पहले यदि ये बात समझ में आए कि भगवान हमारे कर्म को हम करने के पहले ही जानते हैं, इस बारे में जागृत रहे, तो अपने आप अपना मन अपनी वाणी और अपने देह के क्रियाकलाप अपने आप शांत हो जाते हैं। इस सावधानी से जीने को कहते हैं ध्यान साधना। देखो संतो इसीलिए एतस् ज्ञानम च ध्यानम च शेषः अन्यश्च विस्तरः। अब इस तत्व को ज्ञान को पहचानने के लिए क्या बताया है? सबसे पहली और आखिरी मुश्किल
हर एक साधक के जीवन में होती है कि हम तत्व को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। We are unable to drop objectivity from our knowledge. हम अपने ज्ञान से जो अन्यत्व की भ्रांति है उसको नहीं त्यागना चाहते। कारण क्या है? कारण पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कौन होते हैं? उन्होंने बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। और कैसा ज्ञान प्राप्त किया है? जिसके बारे में ज्ञान होता है वो हमसे अन्य है, ये हमारे भौतिक ज्ञान की नींव होती है। देखो, समझो आपने एक केमिस्ट्री में पढ़ा, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ले लो, फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल से उसका कॉर्क निकालो, लेकिन उसको नीचे मत रखना, यहाँ पकड़ के रखना, फिर वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर में अंदर में वो सल्फ्यूरिक एसिड डोंट एक टीचर, वो कोटा ब्रांड टीचर, कोटा ब्रांड टीचर का बड़ा आनंद आता है, बोथ ऑफ थ्री गेट आउट। गुस्सा आया था टीचर को, सर 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 वॉट आर यू एम्प्टी नाउ, when do I meet you? Meet me when I am empty and you are vacant, but behind the class. इसीलिए टेस्ट ट्यूब में जिंक लिया और इसमें धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या होगा? जिंक का सल्फेट बनेगा और उसमें से पानी के अणु बाहर आ जाएंगे, H2O। आ गया समझ में? आ गया समझ? तो इस ज्ञान में अनात्म भाव की प्रधानता है, देखो। लेकिन जब आत्मज्ञान की बात आती है तो उसमें अनात्म भाव का निराकरण है। इसीलिए यहां कहते हैं कि नैव चिंत्यम न च अचिंत्यम, इस तत्व को विषय के रूप में ग्रहण ना करें। यह ना तो इंद्रियों से ग्रहण होता है, ना तो मन से, ना तो बुद्धि से, क्योंकि यह अचिंत्य है। तो छोड़ो चक्कर, छोड़ो चक्कर नहीं, फिर ऐसा ही जानो, न चिंत्यम चिंत्यमेव तत्। तो इस तत्व के उपलब्धि के लिए यह भावना करनी है कि आकाश की अनुभूति कैसी होगी। एक बार हमने कहीं बताया था उदाहरण, हम गए थे अमेरिका में और होनोलुलु गए थे, और वहाँ एक चाइनीज होटल में गए चाय पानी पीने के लिए हमारे दोस्त के साथ। वो उसका बर्थडे था, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, तो वहाँ गए थे। तो वो अपना ऑर्डर कर रहा, मैं अपना कैमरा लेकर के एक एक्वेरियम में फोटो ले रहा था। तो वो आने के बाद, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? अभी अल्लाह के बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। आप फिश आपको अच्छे लगते हैं? मैं फिश नहीं देख रहा हूँ, अच्छे लगने का सवाल क्या है? फिर बताओ क्या देख रहा हूँ, फिश नहीं अच्छे। फिर आप एक्वेरियम देख रहे हैं? एक्वेरियम भी नहीं देख रहा हूँ। फिर इसके अंदर में जो अनेक प्रकार के प्लांट्स वगैरह रखे हैं प्लास्टिक के, वो देख रहे हैं? वो भी नहीं देख रहा हूँ। फिर क्या देख रहे हैं आप? अरे क्या बताऊँ, मैं पानी देख रहा हूँ। हट तेरे की, तो पानी देख रहे हैं ना, पानी क्या देखने की वस्तु है? हमने कहा देखो, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पानी का क्या अनुभव होगा जब उसमें मछलियाँ चलती है इधर से उधर, तो पानी का क्या अनुभव होगा? उसमें दो चार छह मछलियां और डाल दी तो क्या पानी पर बोझा होगा? ध्यान से सुनो, यदि उसमें से दो चार मछलियां निकाल दी तो पानी का कोई नुकसान हुआ? मैं ये देख रहा हूं,
तो स्वामी जी आप पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, अब नॉर्मल है और क्या। यही साधना है। यदि हम आकाश की स्थिति ले लें, उसमें ये मत कहना कि मैं आकाश हूं, हां आकाश का अपना अनुभव क्या होगा, तो आकाश में हर तरह की चीजें हो रही है लेकिन आकाश उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश में दो चार प्लैनेट्स और ऐड कर ले तो भारी नहीं, और निकाल देवे तो कोई लॉस नहीं। इसी प्रकार से जगत के वस्तु व्यक्ति, इनका आना जाना हम पर जब कोई भी प्रभाव नहीं डालता, तब हमने आकाश की भावना करी है। इसी को कहते हैं आकाश योग। एक हमारा छोटा सा पुस्तक है, उसका नाम है आकाश योग। तो यही भावना करनी है कि आकाश का क्या अनुभव होगा, ना उसका आदि मध्य अंत है, ना उसका कोई आकार विकार प्रकार है, ना उसमें अनेकता है, और चाहे उसमें कुछ ऐड करो या निकालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में सहजता से जीना, ये है मेडिटेशन इन एक्शन। करना नहीं है देखो, इसीलिए न चिंत्यम चिंतेमेव तत् पक्षपात विनिर्मुक्तम ब्रह्म संपद्यते तदा। तब हमारे जीवन में परमात्मा क्या है यह अनुभूति प्रकट होगी, और यह अनुभूति क्या है, पक्षपात विनिर्मुक्तम। कभी आकाश ऐसा कहता है क्या कि गधों को निकाल दो, सिर्फ घोड़े को रखो? आहा, दोनों को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इतनी सहज और सरल है कि केवल इसके बारे में हमको जागृत होना है। हमने ये उदाहरण कई बार दिया है, आंखें सभी रूप रंग को देखती है, सभी को इसलिए देखती है कि किसी एक रूप रंग के साथ वो चिपकती नहीं, क्योंकि ज्ञान का लक्षण ही ये है, ज्ञान हमेशा प्रकाशक होता है, प्रभावित नहीं होता। तो यह जो अपना स्वरूप है, इस प्रकार का पक्षपात विनिर्मुक्तम ब्रह्म संपद्यते तदा। यहां तक हमने कल देखा था, अब सातवें मंत्र में आते हैं कि इस स्थिति को अनुभव करने के लिए क्या क्या हमको पहाड़ उठाने हैं। स्वरेण संधयेत् योगम्, स्वरेण संधयेत् योगम्, अस्वरं भावयेत् परम्, अस्वरं भावयेत् परम्, अस्वरेणानुभावेन, अस्वरेणानुभावेन, भावो वा भावयिष्यते, भावो वा भावयिष्यते। देखो शब्द अनेक है, जैसे हम कहेंगे अभी श्री राम, श्री राम, श्री राम। हमने कितने बार कहा श्री राम? तीन बार। और ये तीन बार इसलिए कहा क्योंकि दो श्री राम के बीच में शब्द का अभाव था, साइलेंस था, शांति थी। शब्द तो अनेक थे लेकिन शब्द का अभाव या शांति, क्या वो अनेक है? वो एक है, पहली बात। दूसरी बात, शब्द का निर्माण होता है, फिर शब्द कुछ समय तक रहता है और फिर शब्द शांत हो जाता है। ये जो शांति है, साइलेंस है,
उसका निर्माण नहीं होता और उसमें विकार भी नहीं होता और उसका अंत भी नहीं होता। इस सिद्धांत को लेकर के ओंकार की साधना बताते हैं संत। तो पहले कहते हैं स्वरेण अनुसंधित संधित योगम। तो पहले ओंकार के द्वारा हम अनुसंधान करें। देखो कैसे अनुसंधान करना है। ओंकार का जप करने के अनेक तरीके हैं। एक जो नॉर्मल तरीका है उसमें काफी गड़बड़ी है। जैसे लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं ओ ठीक नहीं है। हमको म को लंबा करना है, ओम को ओ को नहीं। जब म को हम खींचते हैं तो उस शब्द के जो तरंग है, जो वाइब्रेशन से वो पूरे देह के प्रत्येक सेल को जागृत करते हैं और उसके द्वारा जो मन है एकदम शांत होने लग जाता है। इसीलिए यही बात बाहर के देश में मंदिरों में इत्यादियों में यही बात होती है, लेकिन हमको पता नहीं। जैसे कोई घंटा नाद करो एक ही बार टन, तो उस शब्द का जो हुआ आवाज उसका अनुसंधान करो। जब तक आप सुन सकते हो सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और जब शब्द समाप्त हो गया लेकिन आप जो के त्यों हो, आपका अभाव नहीं हुआ। अभाव हुआ स्वर का, शब्द का, ओम का। इसीलिए स्वरेण संधित योगम। पहले हमको ये अभ्यास करना है कि भगवान का नाम या ओम लेते नाम लेते समय किसी अन्य वृत्ति को हम बीच में नहीं आने दें। अभी हमारी जप करने की स्थिति कैसी है? अभी हम जप करते हैं हाथ में माला लेकर के हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, खिचड़ी बन रही है। उसके स्थान पर थोड़े थोड़े छोटे डोज लेवे। जैसे से 3 बार आपको भगवान का नाम लेना है और फिर चुप हो जाना है और ये 3 बार के बीच में दूसरा कोई भी विचार ना आए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो हमने 3 बार किसी मंत्र का जप किया
वैखरी वाणी में। और उस तीन बार जप करते समय बीच में किसी अन्य प्रकार के विचार में प्रवेश नहीं किया। पहले ये स्टैमिना डेवलप करना है, और ये स्टैमिना पक्का हो गया फिर और डोज बढ़ाना है। अब पांच बार कहना है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब मन में दूसरा विचार न घुसे, पहले इतना ही अभ्यास करना है। जैसे छोटे बच्चे कैसा चलना शुरू करते हैं, पहले वो पकड़ करके एक कदम रखते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन दे डोंट गिव अप। फिर धीरे धीरे दो कदम रखते, फिर तीन कदम रखते हैं। इसी प्रकार से मन को भी पहले दो चार बार नाम लो, शांत हो जाओ। और उसमें ये देखना है कि ये दो चार बार जो भगवान का नाम लेते हैं तो अन्य डिसिमिलर थॉट इंटरसेप्ट नहीं करना। फिर तीन का पांच हो गया, पांच का सात हो गया, सात का दस हो गया, दस का पंद्रह हो गया। धीरे 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 अपने आप को बढ़ावे। इसको कहते हैं स्वरेण संधयित योगम। देखो अब आप लोगों ने तो कई सालों से जप किया होगा, साधना की होगी, लेकिन हमारी समस्या ये स्वामी जी नॉर्मली से मेरा मन ठीक रहता है, लेकिन जब भी मैं जप करने को बैठती हूँ ना तो बहुत परेशानी होती है, क्या करो जप मत करो। वेरी गुड, कंप्लेन मत करो, अनुसंधान करो। कंप्लेन करने से क्या होगा, फाइंड आउट कि ये किस प्रकार से प्रारंभ होता है। नॉर्मली क्या है कि हम जगह बाबा जी ऐसी बताओ क्या करें, वो कोई होम्योपैथी है क्या, ले लो 30 ड्रग्स वो भी का नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट। इसीलिए स्वरेण संधयित योगम। उसके बाद फिर दूसरी बात आती है, अस्वरम भावये परम। फिर उसके बाद हमारा ध्यान शब्द से हट करके जो दो शब्दों के बीच में जो अभाव है वहां लगाना चाहिए। देखो तो पहले हमने दो बार लिया, श्री राम श्री राम। अब हमारा ध्यान शब्द पर से हट करके दोनों के बीच में की जो संधि है वहां है, श्री राम श्री राम श्री राम। वो ऐसा होगा कि शांति जो निर्मित नहीं है, स्वाभाविक है, वो शांति अखंड रहेगी। और उस शांति में एक शब्द का मानो जैसे वो हार्ट की आती है ना ग्राफ, उस प्रकार से सीधी लाइन है शांति, फिर श्री राम फिर शांत, फिर श्री राम फिर शांत। धीरे धीरे ये दो शब्दों के बीच में का जो अंतराल है उसको बढ़ाते जावे बढ़ाते जावे। दूसरी बात। अब तीसरी बात कहते हैं अस्वरूण अस्वरेण अनुभावेन। अब तीसरी बात, पहले हमने शब्द को प्रकाशित किया और फिर शब्द के अभाव को प्रकाशित किया, और आगे कहते हैं अस्वर अस्वरेण अनुभावेन। जो शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है वो तो है ना, तो शब्द का आना जाना है। और शांति क्या है, शांति है शब्द का अभाव, लेकिन जो अभाव को भी प्रकाशित करता है वो भाव अभाव के परे है। देखो
और जब हम इस भाव अभाव के परे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो क्या होगा, और जब नहीं होती तो क्या होगा, तो पहले नहीं होती तो क्या होगा, जब हम शांति के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो क्या होगा, थोड़ी किसी ने गड़बड़ी करी तो क्रोध आया, चुप बैठो देखते नहीं क्या, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा कुछ हो गया डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि शांति को ज्यादा महत्व दे रहे, तो पहले शब्द को महत्व दिया तो फालतू की बातें मत करो, भगवान का नाम लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देखो जगरत्ता रात भर सबको परेशान करते रहो, भगवान की भक्ति चल रही है। फिर वहां से निकले, तबला पेटी छोड़ दी, फिर हाथ में माला पकड़ ली, हरे राम राम राम, शब्द को महत्व है, वहां से हटे फिर शांति में आए, जैसे शांति में आएंगे तो वहां कोई भी शब्द उसका टॉलरेंस जीरो हो जाता है, थोड़ा भी कुछ हो गया तो गुस्सा आता है। ऐसे व्यक्ति जब ध्यान के लिए बैठते घर में, सब कुछ बंद बंद कर करा करके बैठे, एकदम अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और बाथरूम में प्लास्टिक के बकेट पर पानी का एक एक बूंद एक संगीत का लहर तैयार कर देता है, ठाक ठाक, कितने बार कहा था बाथरूम को ठीक बंद किया करो, ठाक ठाक, और फिर पानी चला गया, क्यों नहीं आ रहा आवाज। देखो इससे बड़े कार्टून और क्या होते हैं। आप जितना शांति को महत्व देंगे उतने आप ज्यादा अशांत होंगे। हमारे मुंबई में भाईदास हॉल है, वहां हमारे लेक्चर हो रहे थे, तो पहले दिन इंट्रोडक्शन करते हैं, आप अपने स्वामी जी के लेक्चर शुरू हो रहे हैं, आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पहले जो महात्मा थे वो इतने क्रोधी थे कि यदि कोई व्यक्ति एक सेकंड भी घुस लेट आया तो उसकी तरफ ऐसा देखते थे कि आउट, गो आउट, तो सब लोग घबरा घबरा के अंदर में बैठते थे, ऐसे समझो किसी का बीपी बढ़ गया, अब वो जा भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, और उसकी साधना चल रही है यूरिनरी मेडिटेशन, सभी टेंस रहते थे, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि अब अपने स्वामी जी आ गए, अब आराम से बैठो कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने हमको पूछा कि स्वामी जी आप कभी किसी को ऐसा क्यों नहीं बोलते, हमने कहा देखो वो जो आके बैठते हैं वो सुनते हैं क्या कि जो लेट आ रहे हैं वो नहीं सुनेंगे, वो सब एक चीज ही है, और मैं भी जो बोल रहा हूँ मैं सच में मैं भी झूठ ही बोल रहा हूँ, तो दोनों का टाइम पास हो रहा है, चाहे सीरियस होने की कोई बात नहीं। देखो इसीलिए जीवन में विक्षेप को भी महत्व ना दे, शांति को भी महत्व ना दे, महत्व दे अपने स्वरूप। विक्षेप और शांति ये दोनों मानसिक है, मन विक्षेपित होता है मन शांत होता है, अपना जो स्वरूप है वो ना तो विक्षेपित होता है ना शांत होता है, इसलिए यहां कहते हैं अस्वरेणानुभावेन भावः वा अभावः इष्यते, तो शब्द को प्रकाशित करने वाला जो तत्व था वही तत्व शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, और इसीलिए वह तत्व भाव और अभाव इन दोनों के परे है, और इसीलिए उसको ना तो हम है कह सकते हैं ना तो हम नहीं है कह सकते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृत अनादिमत् परम ब्रह्म न तत् सत् न तत् असत् उच्यते,
परमात्मा तत्व जो ब्रह्म है वह अनादिमत, जिसका आदि नहीं, इसीलिए अंत नहीं, इसीलिए बीच में विकार नहीं, और इसीलिए उसको है या नहीं है दोनों भी नहीं कहा जा सकता। देखो संतो, इसीलिए जितनी भी साधना है ना, ये मणिराम के चक्कर से छूटू। मन ही शब्द का आधार है, मन ही शब्द के अभाव को प्रकट करता है, लेकिन ये मन का आधार जो है वो ना तो है ना तो नहीं है, दोनों के परे है। क्योंकि मन की स्थिति होती है कैसी, जागृत स्वप्न में मन प्रकट होता है, सुषुप्ति समाधि में मन अव्यक्त होता है, तो मन का प्राकट्य और अभाव, भाव और अभाव ये बना रहता है, लेकिन जो भाव अभाव दोनों को प्रकाशित करने वाला तत्व है वो ज्यों का त्यों है, उसमें मन के प्रकट होने से विक्षेप नहीं, मन के शांत होने से शांति नहीं, जो शांति और अशांति इनके परे है उसी को कहते हैं प्रशांति निलयम। हमारे सत्यदेव बाबा का जो स्थान है ना, उसका नाम है प्रशांति निलयम। देखो शांति अशांति की विरोधी है, अशांति शांति की विरोधी है, और प्रशांति शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण घटती नहीं। इसलिए स्वरेण संदहित योगम अस्वरम भावयेत परम, अस्वरेण अनुभावेन भावो वा भावयिष्यते। देखो संतो, इसको हमको पहचानना है, ये कुछ करना वरना नहीं है, बहुत कर लिया लाइफ में, इनफ हो गया। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अनडूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग, ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अनबिकमिंग व्हाट एवर वी हैव बिकम। तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम, तत्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम्, तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम। तदेव वही वही कौन सा, जो पिछले मंत्र में कहा था वही ब्रह्म है। कौन सा ब्रह्म है, जो शांति के कारण बढ़ता नहीं और अशांति के कारण घटता नहीं, जो शब्द और शब्द का अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, और इसीलिए दोनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह है परब्रह्म परमात्मा। तो तदेव निष्कलम ब्रह्म, उसमें कोई कला नहीं है। देखो कला किसको कहते हैं, चंद्र तो एक ही है, लेकिन इस चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, 17 कलाएं हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचदशी, फिर 15 दिन पूरे हो गए, फिर 16वां और 17वां है चंद्रमा। तो एक ही चंद्रमा पर शून्य से लेकर के 15 तक के 16 कलाएं हो गई, और चंद्रमा क्या है, 17वां है। इसी प्रकार से तदेव निष्कलम ब्रह्म, इसी एक परमात्मा की अनेक कलाएं हैं, लेकिन परमात्मा कला रहित है। उदाहरण से आकाश निष्कल है, लेकिन औपाधिक कलाएं आकाश पर अध्यारोपित करी गई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और कोने की 4 दिशाएं 8 हो गई, और ऊपर नीचे 10 दिशाएं। ये 10 दिशाएं जो आकाश पर अध्यारोपित हो गई है, ये आकाश की कला है। लेकिन आकाश के दृष्टि से देखा जाए तो, आकाश की दृष्टि से देखा जाए तो एक भी दिशा नहीं है, तो आकाश क्या है, दिशा ही रहे, भटक रहा है बेचारा। देखो तदेव निष्कलम ब्रह्मा निर्विकल्पम, और इस परमात्मा के होने में, ब्रह्म के होने में कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्या होते हैं,
आप सुन रहे हैं क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा सुन रहा हूँ, भी आ रही है विकल्प। आप सुन रहे क्या? सुन रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोले जा रहे हो, विकल्प। आप सुन रहे क्या? बिल्कुल पक्का सुन रहा है, जो सब समझ में आया अभी के लिए, बाद में फिर भूल गए। ये अनेक विकल्प है। कहते हैं ब्रह्म निर्विकल्पम, देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट देन बीइंग द रियलिटी। देखो हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप भगवद गीता जानते हैं क्या? हाँ लगता तो है जानते हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा आप बद्रीनाथ गए हैं क्या? आई थिंक आई हैव गॉन। आप पुरुष सूक्त कंठस्थ करते हो क्या? लगता तो है ट्राई मारते हैं, विकल्प। लेकिन स्वामी जी आप हैं क्या? आई थिंक नहीं, वी डोंट थिंक। अपना जो होना है ये वैचारिक अनुभूति नहीं है। देखो जब विचार का अभाव होता है तब भी अपने होने का भान बना रहता है। इसीलिए तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम और निरंजनम। अंजन माने दाग, तो निरंजनम इसमें कोई भी दाग नहीं है। और दाग किसको कहते हैं? ये बहुत सिंपल टेक्निक है, केवल अन्य के प्रतीति को दाग कहते हैं। आकाश में कौन से दाग है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दाग आकाश में है, क्योंकि यह औपाधिक अभिव्यक्ति है, शुद्ध अभिव्यक्ति नहीं है। इसीलिए आकाश को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहना आकाश को गाली देना है, और समुद्र को लहरें कहना समुद्र को गाली देना है, और पानी को समुद्र कहना लहरें कहना यह पानी को गाली देना है। जब किसी को गाली देंगे तो हमको क्या मिलेगा? डंडे। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा है, उसको हम जगत कहते हैं। देख रहे हैं परमात्मा को पर कहते हैं जगत। है स्वयं परमात्मा स्वरूप लेकिन कहते हैं हम देह है, हम जीव है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है लेकिन हमने परमात्मा को क्लाउड्स के ऊपर में बिठा दिया है, ईश्वर नीचे आ जाए। देखो तो यह जो अन्यता है, यह जो परिच्छिन्नता है, यह जो परोक्षता है, ये तीनों के तीनों भगवान में कलंक है। लेकिन परमात्मा के दृष्टि से देखा जाए तो जीव जगत ईश्वर भेद संपूर्ण रूप से अभाव है। पानी के दृष्टि से समुद्र नहीं है, पानी के दृष्टि से लहरें नहीं है। पानी के पास हम गए, हमने कहा कि पानी भैया, पानी यूपी का होगा शायद, पानी भैया बोले हाँ जी। बोले आपने कहा कि देखो जब आप समुंदर के रूप में रहते हो तो बड़ा डरावना लगता है, लहरों के साथ खेलने में मजा आता है। तो पानी भैया कहता है एक्सक्यूज मी, ये समुंदर क्या होता है? अब मुझे बताओ पानी को आप कैसे समझाओगे कि समुद्र क्या होता है? आप अपने आंखों को कैसे अपने आप को दिखाओगे? देखो अन्य की प्रतीति ही उसमें एक गंदगी है, इसीलिए निरंजनम, इसमें कोई अन्य की प्रतीति नहीं है। तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा, देखो कृत्वा नहीं है, करना नहीं है, उस परम ब्रह्म तत्व को अपने स्वरूप में पहचानना है। जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त होती है वो कभी भी खोई नहीं रहती, और जो वस्तु अज्ञान से खो जाती है वो भी कभी खोती नहीं। देखो कई बार होता है ना, हम लोग अपना चश्मा सर के ऊपर रख देते हैं, टोपी पहन ली, टोपी के ऊपर में चश्मा लगा लिया। कई लोग यूज़ स्टाइल आकाश देखने के लिए, दो मॉनिटर है, और फिर भूल गए कि चश्मा ऊपर रखे हैं,
और ढूंढ रहे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लगता घूम गया कहीं है, पता नहीं, हमेशा ऐसा होता है, ये भगवान मैं ऐसा क्यों घूमता हूँ, मिल गया। तो जो अज्ञान के कारण घूम गया था, क्या वो घुमा हुआ था? नहीं, वो तो प्राप्त था ही। इसी प्रकार से ज्ञात्वा हमको केवल अपने आप को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। और इसके लिए साधना क्या है? अपने अनुभूतियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण। देखो इसमें जो जो बताया है, निष्कलम। हम जब कहते हैं कि हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, तो ये क्या जैसे पेड़ को डालिया होती है वैसी होती है क्या? ये केवल मानसिक औपाधिक है और ओनली फंक्शनल डिफरेंसेस। देखो एक ही आदमी है, वो पुत्र बना तो उसका फंक्शन है आज्ञा का पालन करना, यदि पति बना तो डर डर के रहना, और यदि पिता बना तो सबकी सुन लेना। देखो तो फंक्शनली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली वही है। इसी प्रकार से यह जो तत्व है इसको केवल पहचानना है, स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया तो हम जागृत पुरुष बन गए, सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य किया स्वप्न पुरुष बन गए, दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य किया सुषुप्त पुरुष बन गए। लेकिन हम असल में क्या है, यदि स्थूल देह के तादात्म्य का त्याग कर दिया तो जागृत पुरुष और उसकी जागृत समस्या गायब, स्वप्न पुरुष और उसकी स्वप्न समस्या गायब। देखो महाराज, इसीलिए लोग सोते हैं। सोने का तात्पर्य क्या है? जागृत समस्या का समाधान चाहिए तो सो जाओ, क्योंकि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो जागृत अवस्था गायब। लेकिन जो इन सभी अवस्थाओं का आधार है वो इन सब के परे है। अब अगले बार आपके मन में यदि प्रश्न आता है कि स्वामी जी मन बड़ा विक्षेपित रहता है, तो प्रश्न मत पूछना, अपने आप को देख लेना कि आपके मन के प्रत्येक प्रश्न का प्रारंभ कहाँ से होता है, विक्षेप का प्रारंभ कहाँ से होता है, तब आपको पता चलेगा। विक्षेप का प्रारंभ होता है कि जब हम कुछ बनते हैं, पति बने, पत्नी बने, भाई बने, बहन बने, गुरु बने, शिष्य बने, तो वहां से आपके विक्षेपों का प्रारंभ होगा। तो साधना क्या करनी है? रिमेन एज मिस्टर नोबडी। कैसे मनुष्य अपने इस बंधन में फंसा रहता है? एक जगह हमने ये मिस्टर नोबडी का सब बताया, ऑस्ट्रेलिया की बात है, और एक अम्मा खड़ी हो गई, स्वामी जी प्लीज डोंट माइंड, क्या हो गया? यू आर ऑलवेज बायस अगेंस्ट द लेडीज। कैसे हो गया? आपने क्यों कहा मिस्टर नोबडी, व्हाई नॉट मिसेस नोबडी? देखो इतने फंसे हैं देहात्म भाव में, इसीलिए पूरे बाइबल का नया बनाया उन्होंने, ही अवलिक्षी हुतोरी बेबी। ये जो चक्कर है ना, इसी को कहते हैं संसार। हमको तत्व को पकड़ना है, शब्द में नहीं फंसना है। तो तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम, इसका मतलब क्या है कि जानना ही होना है। नोइंग इज बीइंग, ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म की प्राप्ति माने ब्रह्म को जानना, पर ब्रह्म को अपने से अन्य के रूप में नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो अनंत है अनंत से कोई भी अलग नहीं हो सकता। क्या पूर्व दिशा अपने आप को आकाश से अलग होकर के रह सकती है? इसी प्रकार से हम अपने आप को कभी भी उस परमात्मा से अन्य के रूप में नहीं जान सकते। इसीलिए पहली पहली साधना में तो ठीक है,
कि भैया हमको भगवान के दर्शन होने चाहिए। अरे दर्शन होने के बाद करोगे क्या? क्या वो भगवान ऐसा बैठा रहा गया, हाँ देख भाई टुकुर टुकुर देखता रहे, व्हाट नेक्स्ट? तो केवल भगवान का आंखों से दर्शन होना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम, एकदम निश्चित रूप से यही सिद्धांत हो गया कि परमात्मा को जानना परमात्मा से अन्य होकर के नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण लो, यदि आपने कोई वस्तु खाई, कचौरी खाई, जरा ज्यादा ही हो गई, मैं देख रहा हूं सभी के सभी या शांभवी मुद्रा में बैठे, भाई कचौरी भले किसी को पेट तो अपना है, उसको तो देखा करो, आगे तो दबा के धड़ाधड़ खाए, मुझे जो आनंद आता है ना वो यही आनंद है कि मैं बोले जा रहा हूं और सभी की शांभवी मुद्रा में स्थित है। तो परमात्मा को जानना और परमात्मा से एक होना एक ही बात है, परमात्मा को अपने से अन्य रूप में नहीं जाना जा सकता। निर्विकल्प मन अनंतंच हेतु दृष्टांत वर्जितम् अप्रमेय मनादिंच यज्ञात्वा मुच्यते बुधा। अब इस तत्व का चिंतन चल रहा है, निर्विकल्पम अनंतंच। अनंत वो होता है कि जिसका आदि मध्य और अंत तीनों नहीं है वो अनंत है, पहली बात। और जो अनंत होगा उसमें बीच में कोई विकार भी नहीं आएंगे। तो चार बातें होगी, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं और जिसमें कोई विकार नहीं। अब अपने देह में देखो, बचपन से लेकर के अभी तक विकार ही विकार है। इंद्रियों में देखो विकार ही विकार है, बुद्धि में देखो विकार ही विकार है। एक बूढ़ा वो अमेरिका की बात है, इंडियन एनआरआई का पिता, वो भी डॉक्टर नहीं थी, उनके पिताजी वहाँ आए और उसने हमको कहा कि स्वामी जी मैंने अपने पिताजी को सभी डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं होती, वो बहुत परेशान है, क्या हो गया उनको? तो बोले स्वामी जी उनकी समस्या ये है। हमने कहा रुक जाओ, खाना खिलाओगी तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। तो हम उनके यहाँ खाने के लिए गए और खाना बना खा लिया। फिर हमने कहा बाबू जी क्या प्रॉब्लम है? स्वामी जी पता नहीं पहले मैं एलएनटी का सीए था और मेरी इतनी मेमोरी तगड़ी थी कि पूरी की पूरी जो उनके स्प्रेडशीट होती है, बैलेंस शीट होती है, वो सब मुझे याद रहती थी, ये मेरी मेमोरी थी। फिर पता नहीं आजकल सब भूल गया हूँ मैं, क्या हो गया मुझे? हमने कहा बहुत भयानक समस्या। कैसे समस्या भयानक है? हमने कहा पहले जब आप जवान थे तब आप कितना वजन उठा सकते थे? बोले 30-40 किलो उठा सकता था। अब कितना उठा सकते हो? 30-40 पापड़। तो शक्ति कहाँ गई? नहीं वो घट गई, वेरी गुड। पहले आप कितने लड्डू खाते थे? 10-12 तो खा जाते थे। अब लड्डू का नाम सुनने से ही पेट में दर्द होता है। कारण क्या है? अब पाचन शक्ति खत्म हो गई। पहले आप ठीक से सुनते थे, हाँ जो नहीं बोलते थे वो भी सुनते थे। अब मतलब की बात सुनते हैं। कारण क्या है? उनकी शक्ति खत्म हो गई है। देखो इसी प्रकार से स्मृति मेमोरी ये भी हमारा जैसे आंखें बाहर का उपकरण है, उसी प्रकार से मेमोरी इज अंतकरण, ये भी हमारा अंदर का इंद्रिय है।
तो सभी इंद्रियों की शक्ति उम्र के साथ घटती है, तो जैसे नॉर्मल होता है उसी प्रकार से अपनी मेमोरी जो है ये भी इंद्रिय है, ये भी उम्र के साथ घटता है तो नॉर्मल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। बुढ़ापे में आदमी जितना ज्यादा भूल जाए उतना अच्छा है, कितना भी कर्जा किया हो कोई कई लोगों को एक रोग होता है ना, वो सब भूल जाते हैं, अपने क्या कहते हैं अल्जाइमर, तो सब भूल जाते हैं, घर में कौन कहाँ है कुछ याद नहीं रहता हूँ। तो ऐसा जीवन होना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं तो पकड़ के रखे उसने मुझे ये कहा था, मैंने कसम खाई है जिंदगी भर उससे मैं बात नहीं करूंगा। बात मत करो, लेकिन याद तो उसी को कर रहे। अपने इस मन के चक्कर से बचना यही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए निर्विकल्पम अनंतम च, जिसमें कोई विकल्प नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन नहीं, विकार नहीं है। प्रकृति में सभी प्रकार की विकृतियां स्वाभाविक है, जिसमें विकार नहीं होता वह परमात्मा, जिसमें विकार होता है वो दुनियादारी, वो प्रकृति। इसीलिए निर्विकल्पम अनंतम च। अच्छा कुछ उदाहरण दो भैया, भगवान कैसे है। रामचरितमानस में भागवत महापुराण में एक कथा आती है, रामचरितमानस में अनेक बातें सीधी की सीधी भागवत महापुराण से ही हिंदी में लिखी गई है। उसमें बताते हैं कि एक बार मनु राजा और शतरूपा इन दोनों ने बड़ी तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात भगवान प्रकट हो गए, नारायण भगवान। हाँ जी, काहे को तपस्या करी, कि हे भगवान हमको आपके जैसा पुत्र हो। भगवान ने कहा कि आई एम वेरी सॉरी। क्यों? बोले मेरे जैसा कोई है ही नहीं, अप्रमेय, जिसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, अनुभव, इसकी उपमा नहीं हो सकती मेरे जैसा। अच्छा तो फिर क्या होगा, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर भगवान नारायण ने राम जी के रूप में अवतार लेकर के दशरथ जी का, माने जो मनु राजा थे, उनको उन्होंने अपना अपना जो वचन था पूरा किया। तो जिसके जैसा कोई है ही नहीं उसके बारे में आप उसके कैसे बताओगे, एक तो बात यह हो गई। दूसरी, हेतु दृष्टांत वर्जितम, इसके जैसा है ऐसी एक भी वस्तु नहीं है। अब देखो, आप आकाश के बारे में बोलो तो आकाश के बारे में क्या बोलोगे आप, ये पृथ्वी के जैसा नहीं है, ये पानी के जैसा नहीं है, ये अग्नि के जैसा नहीं है, ये वायु के जैसा नहीं है। अरे महात्मा जी कैसा है ये बताओ ना। यहाँ जो अंदर है ना खाली, वैसा है। देखो, आकाश का वर्णन यदि करना हो तो हमारी जिह्वा लटखटाती है। अब आकाश क्या है, आकाश मन का प्रक्षेपण है। अब मन के बारे में विचार करो, मन क्या है, मन क्या है दिखाओ जरा, मन का कितना वजन होता है, मन की कितनी चौड़ाई होती है। और ये मन जिस चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति है, वो चैतन्य सत्ता क्या होगी, कल्पना भी नहीं हो सकती। इसीलिए हेतु दृष्टांत वर्जितम, जिसका ना तो कोई कारण है ना तो ये किसी के जैसा है। तो निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम, अप्रमेयम, प्रमेय माने जो जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। जैसे मैं इस कैमरे को जानता हूं तो यह कैमरा हो गया प्रमेय, इसको जानने वाला मैं ये हो गया प्रमाता,
यह कैमरा है, ये जो ज्ञान है ये हो गई प्रमिति, और इसको मैं जान रहा हूं अपने आंखों से, ये हो गया प्रमाण। चार बातें हो गई, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमिति प्रमेयस तथा तस यस्य भाषा व भाषेत, जिसके कारण ये चारों प्रकाशित हो रहे हैं। अब देखो कैमरा, इसको मैं प्रकाशित कर रहा हूं, आंखों से देख रहे हैं, इस आंखों को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूं, यह कैमरा है, इस ज्ञान को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूं, और इसको मैं जानता हूं, इस जानने वाले मैं को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूं। तो जो सभी का प्रकाशक है उसका कोई भी प्रकाशक नहीं हो सकता, और इसीलिए यह अप्रमेय है और अनादिंच, और इसीलिए अनादि माने जिसका कोई कारण नहीं। पुत्र का आदि पिता, पिता का आदि फिर पिता। देखो किसने मुझे प्रश्न पूछा था अभी, स्वामी जी दो बच्चे और दो पिता एक होटल में गए और उन्होंने तीन थालियां ऑर्डर करी, तो कैसे संभव है? क्योंकि दो बाप और दो बच्चे कितने हो गए? चार। चारों ने मिला करके तीन थालियां ऑर्डर करी तो कैसे खाना खाया होगा? शेयर किया होगा? नहीं, शेयर नहीं किया। ऐसा होगा कि दादा और बाप और पुत्र तीनों साथ साथ गए होंगे, क्योंकि उसमें दो बाप हो गए और दो बच्चे हो गए, दादा और उसका पुत्र बाप बन गए और पुत्र और उसका पुत्र वो बच्चे बन गए। कहने के लिए तो चार है लेकिन गए तो तीन ही ना। इसी प्रकार से अप्रमेय अनादिंच, इसका आदि कोई नहीं है, माने जिसका कोई कारण नहीं। जिसका कारण नहीं होता है उसका कार्य भी नहीं होता है। भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय सर्वं मैदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम, मेरे से बढ़कर के माने मेरा कोई कारण नहीं है। मत्तः अन्यत, मेरे जैसा कोई नहीं है, और किंचित, किंचित माने कार्य, मेरा कोई कार्य नहीं है। देखो अब यही वाक्य पानी के मुख में डालो तो पानी कहेगा कि मेरे से बढ़कर के कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, और मेरा कोई कार्य नहीं। फिर ये समुद्र और लहरें क्या है? समुद्र है कारण और लहरें है कार्य, तो पानी पर कारण कार्य औपाधिक दृष्टि से अध्यारोपित किया गया है, लेकिन पानी के दृष्टि से ना तो समुद्र कारण की सत्ता है और ना तो जो लहरें हैं उस कार्य की सत्ता है, क्योंकि दोनों में सूत्रे मणिगिना इव, पानी यह समुद्र और लहरें दोनों में ओतप्रोत है। तो पानी के दृष्टि से ना तो समुद्र है ना तो लहरें हैं, और इसीलिए पानी को समुद्र में डूबने का डर नहीं लगता, और जब लहरें टूटती है तो टूटने का डर नहीं लगता, क्योंकि अन्य है ही नहीं। इसी प्रकार से अप्रमेयम अनादिंच यज्ञात्वा, जिसको पहचान करके आत्मरूप से बुधा मुच्चते, जो इस अनुभव में स्थित है वही इस द्वैत के प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं। देखो महाराज, तो हमने किया कुछ नहीं, केवल अपने समझ को ठीक करना है। जब तक ये समझ को ठीक करना है ये बात समझ में नहीं आती, तब तक के कुरुदे गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, भटकते रहो भटकते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कहीं भी जाएंगे तीर्थ क्षेत्र पर, अब आप तो कितने सालों से घूम रहे हैं, एक हमारे बंगाली मित्र थे दिल्ली के, हम एक बार बीच में रुद्रप्रयाग आया था ना, वहाँ हमने एक कैंप किया था, और कैंप में बहुत परेशानी, पहले जिन्होंने हमको हाँ कहा था, हम जब पहुँचे तो बोले नहीं जी हम नहीं देंगे,
हमने कहा भाई आपने पहले हाँ कहा था, हाँ कहा था, लेकिन अब हम ही कह रहे हैं ना नहीं देंगे नहीं देंगे, अब उनसे क्या झगड़ा करें। तो फिर हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम अपनी गाड़ी लेकर के गए, वहाँ एक सरदार जी का होटल था। तो हमने कहा सरदार जी हम आपके मुख से नहीं ये सुनने के लिए नहीं आए। बोले महाराज जी आज्ञा करो। हमने कहा ये समस्या है। बोले तुसी इत्थे आ जाओ साढ़े नाल। हम उनके पास पहुँचे और उन्होंने जैसे कुछ हो सके पूरा बंदोबस्त कर दिया। और फिर एक कमरे में चार छः लोग रहते थे और खाने के लिए वही होटल का खाना, और वहाँ से गंगा जी में आने के लिए कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लगता था। और वहाँ एक बड़ा सुंदर मंदिर है रुद्रप्रयाग में, वहाँ हमारा सत्संग होता था। ऐसा उल्टा सीधा काम हुआ। तो ये जो हमारे मित्र थे बंगाली, ये मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी मेरे पूरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय यदि कोई गया है तो अभी आपके साथ। फिर उन्होंने अपनी कहानी लगाई। बोले मैंने पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड का टूर किया है। हमेशा मैं अपनी वाइफ बच्चों के साथ घूमता था और 5-स्टार होटलों में रहता था और इंडिया में भी काफ़ी जगह घुमा हूँ, लेकिन हमेशा एक ही चिंतन चलता था आज लंच वहाँ करेंगे। फिर खाना खाते थे पता नहीं इतना घटिया लेते हैं पैसा, ऐसा करेंगे डिनर वहाँ करेंगे, तो 8 दिन कहीं रहेंगे। तो एक ही चिंतन होता था कि किस होटल में जाके लंच करेंगे, किस में डिनर, किस में ब्रेकफास्ट, दूसरा कोई विषय नहीं। बोले यहाँ हम लोग आए एक बार भी वो मन में विचार नहीं आया। उस समय हमने पंचदशी का वहाँ अध्ययन किया था। पंचदशी का 5वां अध्याय बड़ा सूक्ष्म है, वो महावाक्य विवेक है। बोले स्वामी जी इसमें इतना आनंद आ रहा है कि दुनिया जैसे खत्म हो गई है। देखो जिसको तत्व चिंतन में आनंद आता है ना, बाहर की चीजें कभी आपको प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन यदि बाहर की चीजें प्रभावित कर रही है, यहाँ जाना है, वो देखना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, वहां क्यों नहीं करते, तो हम बहिर्मुखी हो गए। बहिर्मुखी होने के बाद फिर ज्वालामुखी भी हो जाते हैं। तो तू मैं तू तू शुरू हो जाता है। देखो 4-6 दिन के लिए यहाँ आए हैं, यही अपने आप में रहना, यही बहुत बड़ी साधना है। इस प्रकार से यश ज्ञात्वा मुच्यते बुधाहा, जो समझदार है वो अपने इस मन से मोक्ष पाते हैं। ये 10वां जो मंत्र है बहुत ही प्रसिद्ध पवित्र और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता। ये मंत्र कारिका के रूप में मांडुक्य उपनिषद के प्रथम अध्याय पर भगवान शंकराचार्य ने, शंकराचार्य के जो दादा गुरु थे गौड़पादाचार्य, तो गौड़पादाचार्य की कारिका के रूप में ये मंत्र वहाँ आता है। और ये मंत्र सभी वेदांत शास्त्र की परमोच्च स्थिति है। इससे बढ़कर के और वेदांत में कुछ भी बताना नहीं है। इसको अभी हम शॉर्ट में आपको बताते हैं और ये जानने के बाद आप कहेंगे हम खाली पीने यहाँ आए, घर रहते तो ठीक है। कहते हैं न निरोध हो न जो उत्पत्ति, ना कुछ पैदा हुआ है, ना कभी किसी का नाश होता है, न बद्धा न जो साधक, कोई भी बंधन में नहीं है, कोई भी साधक नहीं है, न मुमुक्षु हो, कोई भी कुछ नहीं फ्रीडम चाहता, न मुक्त, आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, यही सत्य है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कचौड़ी खा रहे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।